हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। आज हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं बोटिंग पर। समर का वेदर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश है कि बस जाते जाते जो भी हमें टाइम मिले हम उसको इंजॉय कर सकें। यहाँ पर कनाडा में अब मौसम ऐसा है कि किसी दिन एकदम ठंडक सी महसूस होती है, खुनकी हो जाती है, किसी दिन धूप निकल आती है और काफ़ी हद तक तो बारिशें ही होती रहती हैं। तो आज सैटरडे वेदर अच्छा हो रहा था, तो मेरी बेटी जहरा उन लोगों ने प्लान किया कि वो अपनी बोट निकालते हैं और हम लोगों को लेकर चलते हैं बोटिंग पर। हैमिल्टन बे फ्रंट बोट लॉन्च, वहाँ पर प्लान किया कि सब मिलते हैं। और जहरा जो है वो ऑलरेडी पहुँच चुकी हुई थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैसेंजर शाह तैयब जो है वो बोट को उतार रहे हैं, लेकिन नहीं जनाब, वो तो हमसे पहले ही बोट को पानी में उतार चुके हुए थे। ये तो कोई और लोग थे जो अपनी बोट को पानी में उतार रहे थे। मैंने कहा चलो हमारी बोट तो पहले से उतर चुकी है, इसको भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पानी में बोट उतारी जा रही होती है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो तैयब भी बोट्स में नज़र आ गए। हमने कहा चलो देर ना हो जाए, और हम भी जनाब फिर बोट में बैठ गए। तुबा जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी हुई थी और अपने बच्चों के साथ बोट में मौजूद थी। तो ये बोट को पानी में उतारने का प्रोसेस ऑलरेडी अकेला कर चुका था। अब हम लोग सभी पहुंच गए और बैठ गए, और जो बाकी मानदा जो चीज़ें थीं और जो कुछ भी, मुझे तो खैर मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा होता है वहाँ पर, तो बाकी का प्रोसेस उसने मुकम्मल किया। कैप्टन मिकाइल वॉज सो कॉन्फिडेंट, और उसको तो लग रहा था कि ये पूरी की पूरी बोट जो है वो मैं ही चला रहा हूँ। बिल्कुल जो है वो स्टीयरिंग पर कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। अच्छा जनाब, जहरा जो है वो सैंडविचेस, कॉर्न्स और चाय बनाकर लाई हुई थी ताकि हम बोट पर इंजॉय कर सकें। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, या तो हवा बहुत तेज़ थी या फिर जो है हम लोग बोट पर बैठे हुए, तो जाहिर है वो बोट चल रही थी तो हवा बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। बहरहाल सब ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जो है वो खाने पीने का सामान भी मौजूद था, बच्चे भी हैप्पी थे और बिल्कुल खुली फिजा थी, खुली हुई बोट थी, तो ऐसा लग रहा था बस समंदर में है और हम हैं। आई वॉज सो स्केयर टू सी तूबा। तूबा जिस तरह से बैठी हुई थी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। और साथ साथ ये है कि वो अलीज़ा को भी लेकर बैठ गई, और बहरहाल वो मज़े से बैठी हुई थी, इंजॉय कर रही थी। ज़ाहिर है उसको लग ही रहा था कि वो सेफ़ बैठी हुई है, तो ठीक है वो इंजॉय कर रही थी, गुड, दैट्स गुड फॉर हर। दूसरी तरफ मैंने देखा कि कनाडा का फ्लैग जो है वो लहरा रहा था, तो मैंने उस सीन को कैप्चर करने की कोशिश की, ब्यूटीफुल कैनेडियन फ्लैग। तो अब हम वापस जा रहे हैं ना, ये इसको सिर्फ अलीज़ा ने एंजॉय किया।
अच्छा वहाँ पे कोई लगी हुई है जगह खाली हो जाए हमारे लिए? नहीं नहीं वो नहीं, मैं यहाँ साइड में ना ताकि मैं जाके ट्रेलर में ले जाऊँ। अच्छा लेकिन सब हमारे इंतजार में खड़े हैं, कब आएंगे हम लोग? आई थिंक वी नीड टू टर्न अराउंड एंड कम बैक इन लाइक 2 मिनट्स। अरे ये डंडा क्यों लेके खड़ी हो? पकड़ूंगी ना। किसको पकड़ोगे? जमीन को। वाटर बॉय है ना। क्या कहना है? तो ये लेफ्ट साइड में लटका देगी। एंड दैट्स वेयर यू डॉट फ्रॉम राइट? नो वेल आई एम द राइट साइड। ये तो कनू लेके आया बंदा। सो आई थिंक यू सही है। यू हैव गिव इट टू अदनान। यू हैव टू ग्रैब दैट ओवर द बॉक्स। अदनान को दे दो या तो ज़हरा। तुम देखो तुम तो जहाँ जा इसके लिए अच्छा अभी आ रहा है here. अच्छा जी, अब बोट को वापस लेकर जाना भी कोई आसान काम नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा मरहला था। तो जो बोट का जो स्टैंड है या जो भी इसको कहेंगे, मुझे उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज भी नहीं मालूम है, वो लेकर ऑल द वे फ्रॉम द ट्रक उसको पानी में लेके गए और उसको इतनी दूर तक लेके गए कि जो बोट है वो उसके ऊपर चढ़ सके। तो जनाब इस सारे हार्डवर्क के बाद बोट को पानी से निकाला गया और फाइनली बोट जो है वो स्टैंड पर चढ़ गई और उसको फिर खींच के ट्रक से खींच के उसको साइड में लगाया गया। काम यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जब उसको पानी से बाहर निकाल लिया गया तो उसके बाद भी उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग की गई, क्योंकि उसको फिर जो ट्रक था उसमें भी जाहिर है कि आपको पूरे रोड पर जाना है और काफ़ी सारी ट्रैफिक होती है, तो उसको ये भी देखना होता है कि वो अच्छी तरह से जो है वो स्टैंड पे और ट्रक के साथ जॉइंट हो गई है कि नहीं हुई है। तो ये सारे मरहले चेक करने के बाद ये हमारा जो पूरा जो है बोटिंग का ट्रिप विद फैमिली जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।